दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कोई एग्जिस्टिंग अगर ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे इस कूलर को ले लेते हैं, एक एज अ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब मैं इसको बताता हूँ कि आप लोगों को डायमेंशंस अगर लेनी है इसकी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग बनाने के लिए तो कैसे ली जाती है। देखिए, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं। जैसे इसका ये अपर कवर हो गया, ये फ्रंट केस हो गया, ये पिलर्स हो गए, ये टैंक हो गया जिसमें वाटर स्टोर होता है, ये आपकी जालियाँ हो गई, फैन हो गया, ठीक है, ये आपकी जाली कवर हो गया, साइड कवर हो गया। इसके अंदर फिर आप देखिएगा कि पाइप्स लगी हुई हैं। तो ये इसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए जो एक कूलर बनाने के लिए आपको रिक्वायर्ड है। जैसे स्विचेस हो गए, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इनकी इंडिविजुअल ड्रॉइंग्स कैसे बनाई जाती है। पहले रफ पेपर पे कैसे बनाते हैं, उसके बाद इसको हम अपने सॉफ्टवेयर पे कैसे ले जाके डायमेंशन इसकी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जो उसमें जिसमें आपका वाटर स्टोर होता है उसकी डायमेंशन अगर करनी है, उस कैबिनेट का साइज वगैरह क्या है। तो सबसे पहले आप एक रफ ड्राइंग बना लीजिए, उसकी रफ डायग्राम बना लीजिए। जैसे उसका ये बॉटम हिस्सा है, ये उसका हो गया फ्रंट व्यू, इसमें हल्का सा बेंड किया हुआ है, ये इसका बेंड ड्राइंग हो गया। इसको आप मान लीजिए फ्रंट। आप कोई भी ऑब्जेक्ट की जब रफ ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें किसी भी पोर्शन से आप उसको फ्रंट मान लीजिए और फिर उसको एज अ रेफरेंस लेके बाकी तरफ की चीज़ों को आप ड्रॉ कर लीजिए। अब जैसे ये फ्रंट हो गया, अब उसके बाद आपका आ जाता है साइड व्यू। फ्रंट एंड साइड व्यू क्योंकि ये स्क्वायर है तो दोनों सिमिलर ही होंगे। अब इसका आप टॉप व्यू देखिए, ये इसका आ गया टॉप व्यू और ये इसमें हो गए बेंड। ये सिंपल सी ड्राइंग बन गई। अब इसको आके हम फिजिकली देखते हैं कि अब ये कूलर में इसकी डायमेंशंस क्या है और उसमें आप फिलअप करते चले जाइए। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। अब जैसे कूलर का ये बेस है, बॉटम कैबिनेट है, मैंने इसको फ्रंट माना है, इस पोर्शन को मैंने फ्रंट माना हुआ है। तो अब फ्रंट में इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको दो या तीन टूल्स की जरूरत पड़ती है, एक स्केल की, एक मेजरिंग टेप की, ये 5 मीटर का मेजरिंग टेप है, और एक वर्नियर कैलिबर की। वर्नियर जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें टॉलरेंस वगैरह, मतलब उसमें बिल्कुल भी एरर नहीं होनी चाहिए, 100% एक्यूरेट होना चाहिए, तब हम वर्नियर से उसका डायमेंशन लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले इसको हम डायमेंशन लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। अगर हम फिट की माने, इंच की माने, तो ये 24.5 इंच आ रहा है, और अगर हम एमएम में लेके चलें तो एमएम में आप इसको चलिएगा तो ये आ रहा है 625 mm, ये आ रहा है 625 mm, ये 625 mm आ रहा है। और अगर हाइट लेके चले, हाइट आप इसकी देखिए 225 mm आ रही है, तो आप इसको यहां पे मेंशन कर लीजिए। देखिए ये वाला जो डायमेंशन आ रहा है, ये आ रहा है 625 mm, और ये वाला जो डायमेंशन आ रहा है, ये आ रहा है 225 mm। ठीक है, डायमेंशन आपको पता लग गई, दो हमें मिल गया था। अब इसमें देखते हैं ये बेंड कितना है, बेंड इसका देखते हैं, ये जो साइड से आप देखिए कितना बेंड निकल रहा है। मैं 100 से करके दिखाता हूँ आपको, 20 mm, ये 20 mm है, 100 से कर रहा हूँ। अगर आप इधर से देखिए तो ये इसका सामने वाला नॉब आ रहा है, नहीं तो ये 20 mm है। तो इसको आप मेंशन कर दीजिए 20 mm, 20 mm, ये सबका कॉमन होगा।
अब ये देखिए अपर साइड में भी बेंड हो रहा है, अपर साइड का आप देख लीजिए, अपर साइड का भी मैं एक आगे से करके दिखा देता हूँ आपको, 100 से लेके चल यहाँ से देखिए, ये नियर अबाउट 5 mm या 8 mm के इन बिटवीन आ रहा है, आप इसको 10 mm लेके चलिए। तो इसको हम ले लेते हैं 10 mm। तो आपकी एक तरफ की इसकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब ये एक स्क्वायर बॉक्स है, तो यही इसको आप सेम इसमें ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों के डायमेंशन एकदम एक्यूरेट हो जाएगी। टॉप से अब आप लेके चलिए, टॉप से आप मान देखिएगा तो आपको इससे ये पता लग रहा है कि ये देखिए इन दोनों के बीच की गैप कितनी है 20, ये कितना है 625, तो यहां से यहां तक 625 mm और 625 mm यहां से यहां तक, ये देखिए जिसकी ये डायमेंशन हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, 625 625 हो गई। बेंड आपका 20 mm है तो ये चारों तरफ से 20 mm ही होगा, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, हाइट आपकी 225 mm हो गई और ये जो बेंड हुआ है आपका ये 10 mm हो गया। तो वो टॉप व्यू है तो इसमें हम नहीं दिखाएंगे, साइड व्यू में हमने ऑलरेडी दिखा रखा है ये 10 mm है, ठीक है। तो ये एक बेसिक ड्राइंग हो गया आपके बॉटम के लिए। ऐसे हम सारे पार्टिकल्स की मतलब जितने भी इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं उन सबकी डायमेंशनिंग इसी तरीके से करेंगे। तो आप इसको नाम दे सकते हैं वाटर टैंक कैबिनेट, मैंने इसको ये नाम दे दिया। इसको पार्ट नंबर भी कुछ दे देंगे, वो जब मैं क्रियो में करूंगा तो आपको बता दूंगा पार्ट नंबर वगैरह कैसे लिए जाते हैं। तो जैसे मैंने इसका नाम ले लिया वाटर टैंक कैबिनेट, तो आपका एक ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट मॉडलिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका जनरल टूल्स के बारे में बता दिया था, स्केच टूल वगैरह के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे पार्ट मॉडलिंग की। तो ये आपका क्रियो का इंटरफेस ओपन हो गया है। अब इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करने के लिए आपको सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी करनी पड़ती है। सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब होता है कि आप जो भी चीज़ बनाने जा रहे हैं उसको एक फोल्डर का एक नाम दे दें और सेट एज अ वर्किंग डायरेक्टरी उस पर क्लिक कर दें, ताकि आपकी जो भी ड्राइंग्स होगी वो ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर में जाके सेव होती रहेगी। तो ये करना सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। तो अब ये लोकेशन मांग रहा है, लोकेशन आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, मैं डी ड्राइव में डाल देता हूँ इसको। मैंने ये कर दिया है, यहाँ पे इसको मैं एज अ वर्किंग डायरेक्टरी सेलेक्ट कर, इसको आप ओके कर दीजिए। अब आप जो भी चीज़ इसको सेव करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहीं पे जाके सेव होगा आपने जो फोल्डर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट मॉडलिंग से। अब जैसे ये कूलर को हम एज अ ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो कूलर के कुछ पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बॉटम पार्ट से, जहाँ पे वाटर स्टोरेज होता है। अब आप देखिएगा कि ये जो नीचे का पार्ट बना है ये सॉलिड ना होके ये शीट मेटल पे बना हुआ है, जिसकी थिकनेस 3 mm है। तो हम सबसे पहले इसका बॉटम पोर्शन बनाते हैं। तो बॉटम पोर्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें शीट मेटल में जाना पड़ेगा। तो आप शीट मेटल में जाना है तो आपको पहले करिए न्यू, देखिए ये पार्ट मॉडलिंग में सेलेक्टेड है, यहाँ पे सब टाइप आ रहा है इसका शीट मेटल, आपको शीट मेटल पे क्लिक करना है। इसको हम नाम दे देते हैं पार्ट 01। और इसमें नेमिंग आप करिएगा तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, इनके बीच में कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पार्ट नेम को लेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया, यूज एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट को आप यहां से अनचेक कर दीजिए, ओके करिए। अब यहां पे मांग रहा है देखिए कि इसमें आपको यूनिट कौन सा लेना है, तो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे हैं, इंजीनियरिंग है तो आप इसको हमेशा mm में लेके चलेंगे, तो mm में लेके चलिए, इसको ओके करिए। तो ये पार्ट मॉडलिंग का इंटरफेस होता है, पार्ट मॉडलिंग का इंटरफेस आ गया। अब इस वाली आप ड्राइंग पे जाइए जो मैंने रफ स्केच बनाया हुआ है। अब इसमें देखिए मैंने 3 व्यू दिए हैं, फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यू।
अब हम स्टार्ट करते हैं टॉप व्यू से। टॉप व्यू में आप देख के चलिएगा कि इसमें जो बॉटम प्लेट का साइज है, आप टॉप व्यू में देखिएगा तो वो 625x625 mm है। तो हम टॉप व्यू ले लेते हैं इस पर। यहाँ से आपका ये डेटम प्लेन ऑन ऑफ होता है, तो इसमें से आप केवल प्लेन डिस्प्ले को ऑन रखते हैं, बाकी सब में अनचेक कर दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी लाइनें आती हैं तो थोड़ा सा दिखने में कन्फ्यूज़न होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका टॉप व्यू से। तो आप प्लानर ले लीजिए। अब इसमें आप इस पर टच करेंगे तो इसमें बताएगा कि कौन सा प्लेन है। देखिए इस पर दिखा रहा है टॉप प्लेन, राइट एंड फ्रंट। तो अभी हम बात करें टॉप की, तो टॉप पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। अब आप इसको भी अनचेक कर दीजिए तो ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सामने आ गई। अब कोई भी डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले आप सेंटर लाइन पे हमेशा सेंटर लाइन को लेके चले, क्योंकि फिर ये रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को लेके चलेगा आपका। अब देखिए इसमें डायमेंशन दे रखी है 625 mm by 625 mm। तो आप रेक्टेंगल पे जाइए, आप ऐसे करके क्लिक कर दीजिए। देखिए इसमें एरो लग के आ रहा है, इसका मतलब ये और ये डिस्टेंस सेंटर से बराबर है, और ये देखिए डाउनवर्ड्स अपवर्ड, इसका मतलब ये दोनों भी सिमेट्री है। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसका डायमेंशन चेंज कर दीजिए 625, इसको भी कर दीजिए 625। जब ये ओके हो गया, पार्ट क्लोज्ड है, इस वजह से सेक्शन येलो कलर का आ रहा है, इसको आप ओके करिए। अब इसमें मांगेगा कितना थिकनेस है, तो हम इसको मान लेके चलते हैं कि 3 mm की थिकनेस का ये प्लेट है। हमने यहाँ थिकनेस डाल दी, ये देखिए आपको यहाँ पे थिकनेस शो हो रहा है, ये देखिए थिकनेस शो हो रहा है, इसको आप ओके कर दीजिए। ये देखिए ये बॉटम पोर्शन बन गया। अब आप इसमें आ जाइए फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में आप देखिएगा कि इसमें जो साइड बैंड है वो 225 mm का बैंड लगा हुआ है इसमें चारों तरफ से, ठीक है। अभी देखिए इसमें एजेस वगैरह हाइड है, अगर आपको एजेस की लाइन वगैरह ऑन करनी है तो आप यहाँ पर जाइएगा जहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले स्टाइल, डिस्प्ले स्टाइल पे आप क्लिक करिएगा तो ये कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला वाला रहा है शेडिंग विथ एजेस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ये एजेस इसकी हाईलाइट होने लगेगी, ये देखिए एजेस अब दिखना शुरू हो गई। तो अब इनके चारों कॉर्नर पर हम आपका कितना बैंड है 225 mm का बैंड हम देते हैं। बैंड भी कई तरीके के, ये फ्लैट वॉल बनानी है तो आप इस वाले से जाइएगा, और फ्लेंज वॉल हल्की सी यहाँ पे कर्व टाइप का अगर आपको देना हो तो आप यहाँ पर जाइएगा। अभी दोनों को मैं करके दिखाता हूँ, तो आप एक बार फ्लैट करके दिखाता हूँ आपको, फ्लैट पे क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे दिखा रहा है सेलेक्ट एन एज, किस एज पे आपको ये वॉल क्रिएट करना है, तो हम इस पे जाते हैं और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं बॉटम पोर्शन को। जैसे ही आपने यहाँ पे बॉटम पोर्शन सेलेक्ट किया तो देखिए एक वर्टिकल वॉल सा यहाँ पे खड़ा हो गया, जिसमें कि ये हाइट इसकी मांग रहा है। तो हाइट कितनी है हमारी 225 mm यहाँ डाल दीजिए। 90 डिग्री पे बेंड है तो ऑलरेडी 90 डिग्री आ रहा है। इसमें दिखा रहा है थिकनेस इनसाइड है, ये देखिए यहाँ पे ये राउंड आ रहा है। जब भी आप किसी शीट मेटल को आप पंच करते हैं तो हल्का से एक कर्व आता है, अगर आपको एक कर्व रिमूव करके एकदम शार्प एज करनी है तो आप राउंड को अनचेक करके इसको ऑन कर दीजिए। अगर आप बाहर साइड से दिखाएंगे तो देखिएगा ये राउंड चीज खत्म हो गई है यहाँ पे, ये देखिए एकदम शार्प एज सा ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे खड़ी हो गई है। तो आप इसको ओके कर दीजिए, तो एक ऐसे बन गया ये लाइन, ऐसे ही आप चारों तरफ हमें बनाना है। तो फिर से आप फ्लैट वॉल पे जाइए, इसको क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी बेंड हो चुका है तो ये एकदम शार्प नहीं लेगा जब तक आप इसको आउटसाइड पे नहीं ले जाओगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी डायमेंशन यहाँ पे डाल दीजिए 225 mm हो गया। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आप जैसे इसको ये फ्लिप करने के लिए होता है कि इनसाइड से बेंड करें या आउटसाइड से, ये देखिए आ रहा है चेंजेस थिकनेस टू अदर साइड। अब हमने अदर साइड पे थिकनेस ले लिया, नहीं तो ये दोनों आपस में टकरा जाते, तो ये बेंड डिटेक्शन वगैरह जो होती है ये अपना ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। तो देखिए मैंने जैसे ही आउटसाइड किया तो यहाँ पे एक कॉर्नर सा बन गया और ये वर्टिकल वॉल यहाँ पे खड़ी हो गई, इसको भी आप ओके कर दीजिए, दो बन गई। अब आप इसको या तो रिपीट भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे प्लेन ऑन कर लीजिए और आपको और नहीं बनाना है, जैसे ये नंबर ऑफ आपकी जो भी डेफिनेशन आप बढ़ाते जा रहे हैं वो यहाँ पे क्लिक होता जा, तो इससे अच्छा है कि आप इसको क्लिक करके सिमेट्री ले लीजिए। तो इस पर आपने क्लिक किया,
एडिटिंग टूल पे गए, मिरर पे गए, इस पे क्लिक किया, ओके किया, ओके। आप इसमें ये मिरर के थ्रू आप इसको वॉल क्रिएट कर लिए। वैसे ये भी वॉल है, इस पे क्लिक करिए, एडिटिंग टूल पे जाइए, मिरर पे जाइए, सेंटर को क्लिक करिए, यस करिए। ये देखिए आपका एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। अब आप इसको इंडिविजुअली फ्लैट को भी आप सिलेक्ट करके कर सकते थे, और आप मिरर भी लेके आप इसको बना सकते थे। देखिए एक बॉक्स बनना तैयार हो गया है। अब देखिए इसमें आप फ्रंट व्यू पे जाइए, जिसमें आप देखिएगा कि 20 mm का बैंड लगा हुआ है, 20 mm का बैंड है, फिर वर्टिकल बैंड है 10 mm का, 20 and 10। तो आप किसी एक को पकड़ लीजिए, जैसे ये वॉल है। सबसे बेटर है कि सबसे पहले एक वॉल का पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका मिरर लेते हैं। तो अभी मैं इस मिरर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, मिरर को इसमें ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अभी पहले में जाइए। अब आपको किसी एग्जिस्टिंग, आपने जो जैसे कोई प्लेन बना दिया है, अब आपको उस पर काम करना हो तो आप या तो उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करिएगा, एडिट डेफिनेशन आप करिएगा, तो ये फिर से ये ऑन हो जाएगा। अब आप इसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, तो इसको आप ओके कर दीजिए। अब हम जाते हैं इसी पे और एक और फ्लैट करते हैं बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ देखिएगा फ्रंट व्यू में कि 20 mm दिखा रहा है, तो 20 mm इधर डालिए, 20 mm हो गया। देखिए आप फ्रंट व्यू में जाइएगा तो फ्रंट व्यू में देखिएगा कि इसमें बैंड लगे हुए हैं। तो आप फ्लैट लीजिए, अंदर साइड पे आ जाए, अगर आप लेंगे तो ये बाहर साइड की तरफ दिखाएगा, नहीं तो ये इन साइड की तरफ घूम जाएगा। तो इसको आप देखिए 20 mm डाल दीजिए इसका डायमेंशन, इसको ओके करिए। और एक अपर साइड बैंड है 10 mm का, 10 mm के लिए आप इसको ऊपर क्लिक करिए। आप अपोजिट साइड में ही एच पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये घूम जाएगा। तो ये देखिए एक बैंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ये 20 mm, ये 10 mm, और एक ये वर्टिकल वॉल। वैसे ही आप सिमेट्रिकली आप इसमें भी काम करिए, अंदर साइड के एच पे लीजिए, इसको दीजिए 20 mm, करिए ओके। फिर आप फ्लैट लीजिए, इस पर क्लिक करिए, इसको लीजिए 10 mm, ओके। ये देखिए अब आपके ये दो पार्ट्स रेडी हो गए हैं। तो ये जो पार्ट ये और ये है, ये और ये, अब आप इसको मिरर का यूज कर सकते हैं। यहां से प्लेन ऑन कर लीजिए, एडिटिंग टूल पे जाइए, मिरर एक्टिवेटेड है। अब ये सेंटर प्लेन को क्लिक करिए, ओके करिए, और इसको यहां से ओपन करिए, ओके करिए, ओके करिए। ये देखिए ये बन गया। वैसे ही अब हम इस पे जाते हैं, इस पे एडिटिंग टूल पे जाइए, मिरर पे जाइए, सेंटर पार्ट को सिलेक्ट कीजिए, ओके करिए, और ये इधर से भी रेडी हो गया। तो देखिए आपका एक ये बॉक्स, शीट मेटल का एक बॉक्स कैबिनेट तैयार हो गया। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन अलग से कट करके इसके ऊपर वेल्ड किया गया है, तो ये बाद में वेल्ड कर देंगे। अब आप इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए मैंने जैसे ही सेव पे क्लिक किया तो ये उसी फोल्डर पे अपने आप जा रहा है जिसको मैंने आपका वर्किंग डायरेक्टरी स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था। तो आप इसको ओके कर दीजिए, तो ये उसी में जाके सेव हो गया। तो आपका ये बॉटम हो गया, जो वाटर टैंक हो गया, तो आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया।